बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीन फूड्स। आज हम बनाएंगे मटन गार्लिक रोस्ट की रेसिपी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, बनाने में एकदम आसान। ये मटन गार्लिक रोस्ट बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही ज़बरदस्त और मज़े का लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है गैस पर। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 लौंग, और उसी के साथ 1 तेज़पत्ता डालेंगे इसमें। और कुछ सेकेंड के लिए इन मसालों को ऑयल में सौते कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इस तरह से बारीक स्लाइस की हुई, और लो टू मीडियम फ्लेम पर प्याज को भून लेंगे। हमें प्याज का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन मसालों को भी कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी तब तक भून लेंगे जब तक कि इसकी कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और अब इसमें डालेंगे 1/2 किलो मटन। यहाँ पे मैंने विद बोन्स मटन का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो विदाउट बोन्स भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ 1 टीस्पून नमक डालेंगे और मटन को कुछ देर के लिए भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए, अब यहाँ पर मटन अच्छे से भून गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप के जितना पानी डाल रही हूँ। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को। और अब हमें मटन को प्रेशर कुक कर लेना है। तो प्रेशर कुकर का लिड लगाकर 1 विजल आने देंगे हाई फ्लेम पर, और उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही इसको पकने देंगे, और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर प्रेशर खुद से निकल गया है, तो मैंने लिड को ओपन कर लिया है। एक बार मटन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मटन अच्छे से गल गया है, तो इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। और अगर इतनी देर में आपका मटन नहीं गला हो तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए और पका लीजिएगा। और अब ये जो खड़े गरम मसाले हैं उनको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है वो पानी में आ चुका है। तो अब इसको एक साइड पर रख देंगे। और अब हम चलते हैं मटन गार्लिक रोस्ट के लिए एक मसाला बनाने की तरफ। तो एक पैन मैंने गैस पर रख लिया है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे। उसी के साथ 1 टेबलस्पून डालेंगे काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, उसके बीज इस तरह से निकाल कर डालेंगे, और इसमें 4 हरी इलायची और 3 लौंग डालेंगे। और इन सारे मसालों को 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा इन मसालों को नहीं पकाएंगे, बस इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर ये सारे मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो मिक्सी के एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना कर लेना है, देखिए इस तरह से। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, उसी के साथ 20 से 25 लहसुन की कलियाँ डालेंगे छिलके के साथ, जिससे टेस्ट अच्छा आएगा। और अब इसको मोटा मोटा पीस लेंगे, देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका। और अब इसको भी एक साइड पे रख देंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पर, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, उसी के साथ 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। आप चाहो तो इसको पूरा ऑयल में भी बना सकते हो। मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है गार्लिक रोस्ट में, तो ज़रूर डालें। और इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इसी के साथ डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, बारीक चॉप की हुई, और मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए भून लेंगे प्याज को। इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे। तो इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, बारीक चॉप किए हुए, मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही कुछ देर के लिए भून लेंगे टमाटर को, जब तक ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और अब इसमें डालेंगे ये गार्लिक मसाला जो हमने पीस कर रखा हुआ था, पूरा इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, वरना मसाला जल भी सकता है। कुछ देर के लिए भून लेना है मसाले को। और अब इसमें ये मटन का स्टॉक डाल देंगे, इस तरह से इसमें जो नीचे बारीक बोन्स होंगे वो भी सेपरेट हो जाएंगे। और अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसी के साथ ये मटन के पीसेस जो हमने प्लेट में निकाल कर रखे हुए थे वो भी इसमें डाल देंगे, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर मिक्स करेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। और जब इसमें एक उबाल आ गया है तो इसको ढक करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। एक बार मिक्स करेंगे
और बहुत अच्छे से मटन और मसाले सब एक दूसरे में मिल गए हैं। देखिए अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून की जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा नींबू का रस डालेंगे इसमें ताकि इसमें थोड़ा सा खटास आ जाए, और थोड़ी सी हरी मिर्चें इस तरह से स्लाइस की हुई, और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, और लास्ट में इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते जिससे कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा गार्लिक रोस्ट में। मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और अब इस मटन गार्लिक रोस्ट को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त सा मटन गार्लिक रोस्ट, आप इसको पराठे या फिर गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है ये। और रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।